हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचली। मैं हूं आशीष और बात रियाद के शो की, सऊदी अरेबिया के शो की मैं करने वाली हूं। और सर्टनली मैं इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठी थी कि मेरी ना 23 तारीख की शाम तो बड़े धमाल जाने वाली है। कहां पवन गा रहे होंगे, किशोर कुमार साहब, कभी रफी साहब, कभी मुकेश साहब। इच्छा तो ये थी कि वो हेमंत कुमार साहब को भी लगे हाथों गा ही दे, तो मेरे दिल को ठंडक पड़ जाएगी। और फिर जब अरुणिता है तो लता मंगेशकर जी का लेटेस्ट जो स्टाइल पोछड़ा, ऐसे मीठी आवाज, सुरीली आवाज ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो तो लता जी के गाने एक के बाद एक सुनाने ही वाली है। डुएट भी सुनना मिलेंगे, सिंगल सोलो भी सुनना मिलेंगे, क्या क्या सुनना मिलेगा। मतलब मैं तो ऐसी बैठी हुई थी कि बस शाम का इंतजार करना है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। सुबह से कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि लाइव जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं उसी की उधेड़बुन में लगी हुई थी और बीच में कुछ मैसेजेस पर ये भी आया मेरे पास कि क्या अरुणिता का रियाद जाना कैंसिल हो गया है। एंड मेरे लिए भी उतनी ही चौंकाने वाली बात थी कि अरे अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है। पर मैंने अपने सोर्सेस से जाने की कोशिश की, करीब 3 या 4 जगह पर मैंने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की और तीनों चारों जगह से एक ही बात समझ में आ रही थी। जो मुझे बताया गया वो ये है कि कुछ वीजा की प्रॉब्लम है। अब वीजा की एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझाने के लिए जा रही हूं। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया का ये एक बहुत बड़ा समारोह है जिसमें कि आजादी का अमृत महोत्सव, इसी महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए पवन और अरुणिता को रियाद में कॉन्सर्ट करना था। कुछ एक वीडियो भी अरुणिता के आ ही गए थे सामने एंड खुशी का माहौल था। जस्ट ऐसे हाथ जोड़ के इंतजार कर रही थी कि खत्म करो ये इंतजार मेरा। अब बात ये हुई है कि अरुणिता को और दर्शनी को और कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, उनको ना वीजा नहीं मिला है। वो एयरपोर्ट पर गए हुए थे लेकिन उनका वीजा अप्रूवल नहीं आया है। जब ये शो प्लान हो रहा था तो सर्टनली एक पूरी प्लानिंग लगती है, ऐसे ही 2 दिन में उठकर नहीं चले जाया करते ना। विदेश का मामला है, जब देश में भी प्लानिंग लगती है तो विदेशों में तो सर्टनली लगने वाली है। सो ऐसे में बताया गया था कि अगर आप यूएस या फिर कैनेडा या फिर यूरोप में अगर आप हाल ही में जाकर आए हों तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो वो तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। ये सोचते हुए ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब बात ये आई कि वहां जाकर मालूम पड़ता है कि ये जो वीजा ऑन अराइवल है ये तभी मिलेगा जब आप पिछले 1 महीने के अंतर में और इन जगह यानी यूएस एंड कनाडा और यूरोप 1 महीने के अंदर में गए हो और वहां पर ट्रैवल करके आए हो। लेकिन इनका जो यूएस का टूर था वो तो मार्च का था, इस साल के मार्च महीने में था, यानी कि 1 महीने का जो वक्वा, जो समय, जो वक्त दिया गया था वो तो नहीं था। यानी कि अब वीजा नहीं मिलना है, वीजा ऑन अराइवल नहीं पॉसिबल होगा। यानी कि जो वीजा है वो वीजा की जो पद्धति है और जो उनका कार्यशैली है या डूज एंड डोंट्स एंड हाउ टू गेट द वीजा एंड कितने दिनों पहले का प्रोसेस में लगना पड़ेगा, वो प्रोसेस में लगना पड़ता और सर्टनली उसके लिए 23 तारीख का समय बहुत छोटा सा था। और इसलिए खबर ये आ रही है कि अरुणिता इस शो में तो नहीं होने वाली है। इट इज अ सैड थिंग, इट इज अ वेरी सैड थिंग, इट इज अ सेटबैक फॉर मी आल्सो। मतलब मैं भी अरे यार ये क्या हो गया, मेरे दिल से भी यही बात निकली। बुरा भी लगा और बुरा लगा, मैं और क्या बोलूं, फिर लगा कि फेयर लॉस। अगर उन्होंने अरुणिता को गाना गाते हुए नहीं सुना है तो ये उनका लॉस है। काश कि चीजें कुछ हो जाए, हालांकि दे वर ऑल्सो ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे थे कि एक दिन नहीं जा पाए तो एक दिन बाद में चले जाए, लेकिन कैसे भी करके वो वहां पर पहुंच जाए, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। एंड दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस शो में तो अरुणिता पवनदीप के साथ नहीं होने वाली है। कोई चमत्कार कर दो यार, कुछ तो कर दो यार, क्योंकि सीरियसली आई वॉज लुक किंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो के अरुणिता एंड पवनदीप तो धमाल मचा कर आएंगे। चलिए, कभी कभी कुछ और लिखा होता है आपके जीवन में, इसी को कहते हैं जीवन के रंग अजीब, तो ये सच्चाई है ये मानकर चलिए। और कुछ और भी अपडेट्स हैं, जब वो आ जाएंगे चीजें आपको वो भी बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, जय हिंद।